नमस्कार बच्चों, आज हम लोग जो है आईआईटी जेईई में पूछे गए एक दूसरे क्वेश्चन को सॉल्व करने जा रहे हैं। ये क्वेश्चन भी इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल से लिया जा रहा है। ज़रा ध्यान से देखें क्वेश्चन क्या है। चार्जेस प्लस क्यू एंड माइनस क्यू, प्लस क्यू और माइनस क्यू दो चार्ज पार्टिकल्स हैं जो पॉइंट ए और बी पर प्लेस किए गए हैं, है ना। दोनों चार्जेस के बीच का डिस्टेंस कितना है, 2L। सी इज द मिड पॉइंट ऑफ द ए बी। अनदर चार्ज प्लस क्यू इज मूव्ड अलॉन्ग द सेमी सर्कल सी आर डी इन दिस फील्ड। वॉट इज द अमाउंट ऑफ वर्क डन इन डिस्प्लेसिंग द चार्ज अलॉन्ग द सेमी सर्कुलर पाथ सी आर डी। ऑप्शन दिए जा रहे हैं, आपको टिक करना है इसमें से कौन सा ऑप्शन करेक्ट है। देखें प्यारे बच्चों, सबसे पहली चीज़ तो जब भी हम समझें चार्ज का मोशन हो रहा है किसी इलेक्ट्रिक फील्ड में, तो इलेक्ट्रिक फील्ड अपने आप में कंजर्वेटिव फील्ड होता है। एंड द वर्क डन बाई द कंजर्वेटिव फील्ड विल डिपेंड ऑनली अपॉन द इनिशियल एंड द फाइनल पोजिशन ऑफ द चार्ज पार्टिकल। इट इज़ क्वाइट इंडिपेंडेंट ऑफ द पाथ फॉलोड बाई द पार्टिकल। पार्टिकल कैसा भी पाथ फॉलोड करे, चाहे वो सेमी सर्कुलर पाथ को फॉलो करे या सर्कुलर पाथ बनाए, दोनों ही केस में, दोनों ही अवस्था में जो वर्क होगा वर्क सेम होगा। तो जो वर्क यहाँ पे किया जाने वाला है वो वर्क हम कैसे फाइंड करेंगे, तो सीधी सी बात है, जो वर्क हम फाइंड करना चाहते हैं उस वर्क को फाइंड करने के लिए हम जरा देखें, चार्ज पार्टिकल को हमने कहाँ से कहाँ मूव कराया है, पॉइंट सी से पॉइंट डी तक मूव कराया है। यानी हमें पॉइंट सी और पॉइंट डी का पोटेंशियल फाइंड करना पड़ेगा सबसे पहले, और इस पोटेंशियल के डिफरेंस को चार्ज से मल्टीप्लाई कर देंगे तो अपने को नेटवर्क मिल जाएगा। तो आओ जरा पहले फाइंड कर लेते हैं पोटेंशियल एट द पॉइंट सी। सबसे पहले फाइंड कर लेते हैं पोटेंशियल एट द पॉइंट सी। अब इस बात को मैं लिखूंगा नहीं, चूंकि टाइम यहां पर अपने पास में टाइम कम है, कम से कम टाइम में करना, आप समझदार हैं। पोटेंशियल एट द पॉइंट सी कैसे फाइंड करेंगे, तो पॉइंट सी पर पोटेंशियल प्लस क्यू और माइनस क्यू चार्ज की वजह से ही, दोनों ही चार्ज सेम डिस्टेंस पर हैं, मतलब इनके बीच की डिस्टेंस, टोटल डिस्टेंस 2L है, L इधर और L इधर, डिस्टेंस सेम है और चार्ज अपोजिट हैं, तो पॉइंट सी पर पोटेंशियल क्या होगा, जीरो। कैसे, ऐसे देखो, 1/4πε0 इंटू प्लस क्यू बाई एल, है ना। पॉइंट सी की ऐसे डिस्टेंस कितनी है, एल है। इसी तरीके से जरा समझो, नेगेटिव चार्ज माइनस क्यू की वजह से पोटेंशियल क्या होगा, ये होगा 1/4πε0 इंटू हो जाएगा, ये माइनस मैंने सामने लगा दिया है, क्यू बाई एल। तो दोनों कैंसिल हो गए, यानी पॉइंट सी का जो पोटेंशियल होगा वो क्या होगा, जीरो होगा। अब जरा बात कर लेते हैं कि पॉइंट डी का पोटेंशियल क्या होगा। तो देखो जरा ध्यान से देखो, पॉइंट डी जो है वो नेगेटिव चार्ज से एल की डिस्टेंस पर है, चूँकि ये सर्कल है और सर्कल का सेंटर है ये बी, तो यानी बी सी इक्वल्स बी डी, दोनों की लेंथ बराबर होगी। सिंस बी सी की वैल्यू एल के इक्वल है, सो बी डी की वैल्यू भी क्या होगी, वो एल ही होगी, यानी ये डिस्टेंस भी एल है। तो जरा बताओ माइनस क्यू चार्ज की वजह से कितना पोटेंशियल होगा, तो बोलोगे तुम यहाँ होगा 1/4πε0 इंटू माइनस क्यू बाई एल। अब जरा समझो, इस पॉइंट डी पर प्लस क्यू चार्ज की वजह से क्या पोटेंशियल होगा, तो प्लस क्यू चार्ज की डिस्टेंस कितनी है, जरा देखो ध्यान से, ये 2L और ये L, यानी ये टोटल डिस्टेंस 3L हो गई। तो अपना आंसर क्या हो जाएगा, प्लस 1/4πε0 इंटू प्लस क्यू अपॉन 3L। अब जरा ध्यान से देखो क्या हो गया अपना, ये माइनस क्यू बाई एल प्लस क्यू अपॉन 3L। 1/4πε0 कॉमन है, कॉमन कर लेते हैं, 1/4πε0 कॉमन कर लिया, और जरा देखो ब्रैकेट में क्या रह गया, माइनस क्यू बाई एल और प्लस ये अपना क्या आ गया, क्यू अपॉन 3L, है ना। इसके एलसीएम निकालो तो क्या मिलेगा अपने को, 3 1 3, माइनस 3 + 1, यानी कि -2 2/3L। अपना आंसर हो जाएगा, पोटेंशियल मिल गया पॉइंट डी का 1/4πε0 इंटू -2 q/3L। ये इस पॉइंट डी का पोटेंशियल हो गया, है ना, पॉइंट डी का अपने को पोटेंशियल मिल गया। पॉइंट सी का पोटेंशियल जीरो है, तो दोनों पॉइंट के बीच में कितना डिफरेंस होगा फाइंड कर सकते हैं। पोटेंशियल डिफरेंस को फाइंड कर लीजिए फटाफट। नाउ पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन पॉइंट सी एंड डी, यानी कि हम अगर फाइंड करना चाहते हैं पोटेंशियल डिफरेंस को, तो कैसे फाइंड करेंगे, पॉइंट डी के पोटेंशियल को सी के पोटेंशियल से माइनस कर देंगे, यही तो करेंगे।
तो पॉइंट डी का पोटेंशियल 1/4πε0 -2q/3L और सी का पोटेंशियल 0 है, अपना आंसर यही सेम आएगा। यानी कह सकते हैं कि पॉइंट सी और डी के बीच जो पोटेंशियल का डिफरेंस है वो कितना है, -1/4πε0 (2q/3L)। ये हो गया पोटेंशियल डिफरेंस। तो जरा मुझे बताओ क्या वर्क करना पड़ेगा। नाउ वर्क डन इन द इलेक्ट्रिक फील्ड इन मूविंग द चार्ज प्लस क्यू चार्ज को मूव करना है, सर्कल के अलोंग ले आना है, किसी के अलोंग ले जाओ मेरे भाई, चाहे इसको आप कैसे भी मूव कराओ, बस अगर ये पॉइंट सी से डी पर जाता है तो जो वर्क होगा वो डिपेंड करेगा पॉइंट सी और डी पर, ना कि इसके पाथ पर, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड एक कंजर्वेटिव फील्ड है। तो फाइंड कैसे करेंगे वर्क को, तो वर्क को फाइंड करने का फॉर्मूला, जो चार्ज डिस्प्लेस किया जा रहा है दैट इज हमारा यहाँ पे चार्ज प्लस क्यू डिस्प्लेस कर रहे हैं, इनटू पोटेंशियल डिफरेंस दैट इज द डेल्टा वी। तो मल्टीप्लाई कर दो इसी को, आप इसको मल्टीप्लाई कर दो, क्या मिल जाएगा बताओ, इसको मल्टीप्लाई कर दो। अगर आप इसको मल्टीप्लाई करते हैं तो अपने को मिल जाता है वर्क डन इक्वल्स के इंटू, देखो ध्यान से, ये 2KQ है ना, क्या मिलेगा 2Q कैपिटल Q अपॉन क्या मिलेगा अपने को, माइनस में 4πε0 (3L)। एक काम तुम कर सकते हो, 2 2 4 इसे कैंसिल कर दो, क्या हो जाएगा ये बताओ जरा। यह आ जाएगा 2 2 3 6, यानी अपना आंसर हो जाएगा माइनस क्यू कैपिटल Q अपॉन 6πε0L, यानी जो वर्क होगा उस वर्क की वैल्यू यही होगी, यानी अपना आंसर इसमें से ये सी करेक्ट है, माइनस स्मॉल क्यू कैपिटल क्यू अपॉन 6πε0L।